हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको LIC और PPF के बीच की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगी और आज हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि इन दोनों में से क्या हमारे लिए बेहतर है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि PPF और LIC के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं PPF के बारे में। PPF एक लॉन्ग टर्म सेविंग इन्वेस्टमेंट है। लोग ज़्यादातर PPF में इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकें, जैसे कि अब बच्चों की अच्छी एजुकेशन, उनकी अच्छी शादी या नया घर, या वो अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर सकें। चलिए बात करते हैं LIC के बारे में। LIC आपको लॉन्ग टर्म सेविंग इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फैमिली प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। LIC में कई सारे ऐसे प्लान होते हैं जो लॉन्ग टर्म सेविंग के ऑप्शन देते हैं, जिससे कि उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, जैसे बच्चों की शादी, बच्चों की एजुकेशन, नया घर या रिटायरमेंट के लिए सेविंग। और इसके साथ साथ LIC आपको प्रोटेक्ट करती है, कोई भी लाइफ में कैजुअलिटी हो जाती है या मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपकी परिवार की फैमिली प्रोटेक्शन में भी LIC पूरा योगदान देती है। परिवार के अनचाही मुसीबतों से भी LIC प्रोटेक्ट करती है आपको और आपके परिवार को, जो कि PPF में नहीं होता है। अब दूसरा पॉइंट है रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आप दोनों में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी PPF और LIC में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो सेफ है? जी हाँ, बिल्कुल सेफ है। दोनों ही इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज़ीरो होता है, क्योंकि दोनों ही पूरी तरह सेफ है, क्योंकि PPF को केंद्र सरकार द्वारा गवर्न किया जाता है, बल्कि LIC में सरकार की सॉवरेन गारंटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन और प्रीमियम, यानी आप एक साल में कितना पैसा जमा कर सकते हैं। PPF में आप 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। LIC में डिपेंड करता है कि आपका कौन सा प्लान है, यानी प्लान के हिसाब से ही आपको प्रीमियम जमा कर सकते हैं। दोनों ही केस में आप 1.5 लाख से ऊपर भी पैसा जमा कर सकते हैं, प्रीमियम जमा कर सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख तक ही आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स बेनिफिट। PPF में आपको पैसा जमा करते समय सेक्शन 80C से टैक्स बेनिफिट मिलता है और मैच्योरिटी पर भी आपको टैक्स फ्री मिलती है। और अगर हम LIC की बात करते हैं तो LIC में भी आपको प्रीमियम पर सेक्शन 80C के अनुसार टैक्स बेनिफिट मिलता है और मैच्योरिटी भी सेक्शन 10D के अनुसार टैक्स फ्री होती है। पर LIC पॉलिसी के हर प्रीमियम पर आपको सर्विस टैक्स लगता है, जो कि PPF में नहीं होता है। चलिए बात करते हैं अब इंटरेस्ट रेट पर। PPF में प्रेजेंट में वर्तमान में इंटरेस्ट रेट 7.1% है, जो एनुअली कंपाउंड होता है। यह इंटरेस्ट रेट सरकार हर साल डिसाइड करती है। पिछले कुछ सालों में यह इंटरेस्ट रेट 9% से घटकर 7.1% हो गया है। LIC में पॉलिसी के हिसाब से बोनस होता है, जो LIC हर साल अंत में डिक्लेयर करती है। अब लोन के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों में ही लोन फैसिलिटी होती है। PPF में 3 साल के बाद और 6 साल बाद आप लोन ले सकते हैं, और LIC में भी आप प्लान के हिसाब से आपको लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज सरेंडर। LIC को आप बीच में सरेंडर करा सकते हैं, लेकिन PPF को आप 15 साल से पहले सरेंडर नहीं करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि दोनों में आप कैसे टर्म ले सकते हैं। PPF में आपको 15 साल का टर्म होता है, पर LIC में टर्म आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, जो 12 साल से लेकर 100 साल तक आप ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑन डेथ ऑफ इन्वेस्टर। PPF में इन्वेस्टर की डेथ होने पर जमा पैसा और उस दिन तक का इंटरेस्ट मिलता है, और वहीं LIC पॉलिसी में इन्वेस्टर की डेथ होने पर सम एश्योर्ड मिलता है, जो ज़्यादातर केसेस में एनुअल प्रीमियम का 10 गुना होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। PPF में हमने 1 लाख ईयरली, यानी 1 लाख एक साल के हिसाब से जमा किया और एज है 20, तो वहाँ हमें 15 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा? वो होगा 15 लाख प्लस
12,12,139 रुपीज़, यानी टोटल हमें मिलेगा 27,12,139। यहाँ हमने LIC का जीवन लक्ष्य प्लान लिया है एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे PPT 15 साल और टर्म 18 साल लिया है। PPT 15 साल का मतलब आपको 15 साल पैसा देना होगा, टर्म 18 साल का मतलब है कि आपको 18 साल बाद पैसा मिलेगा। देखिए एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आपको, PPF में मैंने सेम 15 साल लिया है, 15 साल बाद आपको पैसा मिलेगा, लेकिन LIC के जीवन लक्ष्य प्लान में आपको 18 साल बाद पैसा मिलेगा। इस प्लान में आपको अगर आप PPT 15 लेते हैं तो टर्म आपको 18 ही लेना पड़ता है, क्योंकि तो PPF में और LIC में दोनों में इक्वल अमाउंट हर साल हम जमा कर रहे हैं, जो एक साल में 1,00,000 रुपये हैं। तो यहाँ सम एश्योर्ड 15,50,000 है, जो एज 20 में लिया है, जो सेम एग्जाम्पल मैंने PPF में लिया था। तो आगे इसमें प्रीमियम आपको हर साल जो जमा करना है वो 1,00,000 है। मैंने आपको अभी पहले समझाया है कि PPF और LIC में ये डिफरेंस है कि PPF में हमें कोई सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन LIC में हम जब भी प्रीमियम जमा करते हैं तो हमें थोड़ा सा सर्विस टैक्स साथ में ऐड करना पड़ता है। तो 18 साल बाद आपको जो रिटर्न मिलता है इसमें वो होता है 77,76,050 रुपीज़। और अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं कि 2 साल बाद कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो आपको जो PPF में रिटर्न मिलता है वो होता है 2,21,804 रुपीज़। ये जो टोटल मिलेगा ये मिलेगा 2 साल कैजुअलिटी के बाद। और अगर LIC में 2 साल बाद कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो क्या रिटर्न मिलता है? सबसे पहले तुरंत आपको 15,50,000 रुपये आपके परिवार को मिलता है, और उसके बाद आपको सम एश्योर्ड का 10% हर साल मिलेगा 16 साल तक, क्योंकि 18 साल की पॉलिसी है तो 18 साल टर्म लिया है LIC में, तो यानी 16 साल जो बचे 16 साल हैं उसमें हर साल सम एश्योर्ड का 10% कितना हुआ, 15,50,000 का 10% होता है 1,55,000, जो हर साल मिलता रहेगा 16 साल तक। और 16 साल बाद जो मैच्योरिटी का टाइम आएगा आपकी पॉलिसी का, वो भी आपको अलग मिलेगा, वो होगा 27,76,050 रुपीज़। यानी टोटल रिटर्न आपको कितना मिला? सबसे पहले 2 साल बाद मिसहैपनिंग होने पर इमीडिएट हेल्प मिलेगी परिवार को, वो होगा 15,50,000 रुपीज़। उसके बाद आपको सम एश्योर्ड का 10% हर साल मिलेगा, वो टोटल बनता है 24,80,000। उसके बाद जब पॉलिसी मैच्योर होगी तब आपको पैसा मिलेगा, वो होगा 27,76,050 रुपीज़। यानी टोटल आपको कितना पैसा मिला वो होगा 68,06,050 रुपीज़। चलिए अब जानते हैं कि दोनों में से कौन बेहतर है। देखिए PPF में जितना रिटर्न 15 साल बाद मिलता है, LIC में भी सेम अमाउंट जमा करने के 3 साल बाद वही पैसा मिलता है, तो आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। पर आप कहेंगे कि मैं LIC चूज़ करके 3 साल वेट क्यों करूं, जबकि PPF में 15 साल में ही सेम रिटर्न है। तो जवाब ये है कि LIC में 3 साल वेट करने के बदले आपके परिवार को 18 साल तक एक्स्ट्रा सुरक्षा मिलती है। तो हमें कमेंट करके बताइए कि आप इन दोनों में से क्या चूज़ करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।